भगवान श्री कृष्ण का जन्म विष्णु के अवतार के रूप में हुआ है। भगवान विष्णु ने जब जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, पाप बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, अनाचार बढ़ा, तो उस समय अपनी धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए विष्णु ने राम कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तो यहाँ हम कृष्ण जन्माष्टमी भादो पक्ष की, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ था और उसी समय की स्थिति की जब कंस के अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गए थे, तो कंस के अत्याचारों से इस संसार को मुक्त कराने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण ने जन्म लिया। कहा जाता है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अविद्यानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सुजानम्। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तो उस समय कृष्ण ने कहा कि मैं तब तब इस धरती पे जन्म लूंगा, हर युग में जन्म लूंगा। कृष्ण का आप सबको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि कर्मणे वाधिकारसु मा फलेषु कदाचन, हमें कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्त के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। आप सब विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं तो हमें अपना कर्म केवल शिक्षा तक, पढ़ाई तक ही रखना चाहिए, फल ईश्वर अपने आप देगा। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, तो फल आपको ईश्वर देगा। इसलिए हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस कर्म की होना चाहिए, न कि फल की। धन्यवाद।